चीनी मिल चालू होगा किसानों को बनना पड़ेगा। अगर साधा मिल चालू होगा सारी गोपी खत्म हो जाएगी। पहला तो तुम्हारा बंबई हो गया, दूसरा जल जल लाइनों को लेकर हम कई बार ज्ञापन दे सकते हैं आप लोगों को। इस समय सरसों की सिंचाई के लिए लोग परेशान है। मेरा खुद का बाजरा 10 बीघे में निकल नहीं होता है, क्यों पानी का पता और अन्य संगठन के पदाधिकारी, अन्य किसान भाई मैंने अभी 2 दिन पहले SDM साहब को लिखे थे, 3 दिन पहले ये सूचना दी थी कि हम 23, 24, 25 3 दिन के लिए किसान अभियान जागरूकता रैली करेंगे, हमारी पदयात्रा के रूप में होगी। तो हम उन्हें 3 दिन पहले दे के आए, लेकिन बिल्कुल हमारे पास ऐसा कोई अभी वो नहीं, मोहर मार के रिसीव करा के लाए हम वहाँ से। अगर ऐसी कोई रोकने वाली बात होती, धारा 144 होती, तो हमें वहाँ से सचेत किया जाता। हमारे पास 2 दिन पहले कोई लेटर आता, तो ये पुलिस बंधु जो हमारा विरोध कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो वो कृपा ना करें। तो हमारे ही सभी साथी हैं किसान, जिससे पहले उग्र हो, तो हमारा निवेदन सिर्फ यही है कि हम जा रहे हैं सिर्फ डीएम साहब, डीएम से नीचे हमारी कोई बात ही नहीं होगी। SDM साहब और CO साहब, तहसीलदार साहब यहाँ आके अपना समय बर्बाद ना करें, वो अपना समय जनता के बीच में दें, ना कि हमें रोकने में दें। इसके बाद आपका कहाँ स्टॉक है? हमारा यहाँ से स्टॉक है, हमारे कई जगह रास्ते में स्वागत समारोह है, नाइट स्टे है हमारा नवीन मंडी खैर में। उसके बाद हमारा दूसरा पड़ाव है खेरेश्वर मंदिर, तीसरा दिन है कलेक्ट्रेट। उससे पहले हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें DM साहब से बातें ये करनी है कि हमने अब तक जितने भी ज्ञापन दिए हैं, हमारे किसी ज्ञापन पर कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब DM साहब देंगे, ना कि SDM साहब। जो मैंने 22 तारीख से जो सरकार अध्यादेश लाई है, जो किसान विरोधी अध्यादेश है, और चुपचाप न तो कोई बहस हुई, लोकसभा में न कहीं राज्यसभा में, चुपचाप लाई है, तो उसके लिए किसानों में आक्रोश है। तो ये जागरूकता रैली निकाल के किसानों की, और 25 तारीख को DM साहब को ज्ञापन देंगे। मैंने 22 तारीख से प्रदेश अध्यक्ष के, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से ये ऐलान किया कि 22 से 25 तक तो ज्ञापन दो, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, थोड़े बहुत आदमी हो, लेकिन इनने बुलाया तो मैं आ गया, तो ज्ञापन देना है। उसके बाद अगर 30 तारीख तक सरकार विचार नहीं करती है, तो 1 तारीख से मैंने ऐलान किया है कि सड़कों से उतरेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरेंगे और लाठी डंडों के साथ उतरेंगे। क्यों? क्योंकि सरकारें चाहे कुछ करवा सकती हैं। हरियाणा में कितने किसान थे और चुपचाप जा रहे थे मंडी में पंचायत करने के लिए, लेकिन निहत्ते थे, उन पर लाठी डंडे लाठी जारी कर दी। तो मेरा ये ऐलान भी है, सरकार सुन ले, पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन सुन ले, DGP सुन ले, कि 1 तारीख से अगर हम सड़कों पर उतरेंगे, पहले विचार कर लिया सरकार ने तो ठीक है, सड़कों पर उतरे तो हरियाणा के किसानों का भी बदला लिया जाएगा। अगर हम पे लाठीचार्ज, हमारे किसी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज होता है, तो हरियाणा के किसानों का बदला मैं उत्तर प्रदेश में लूँगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश पहले गाजियाबाद में लाठीचार्ज किया था, उसका लखनऊ में लिया था, DGP के सामने लिया था बदला। जो आपको पुलिस प्रशासन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, क्या कारण है? पता नहीं, चवालीस है कि वो है, पता नहीं क्या है, ऐसा है। अब सरकार अध्यादेश लाएगी उसके जुड़े, और फिर कहेंगे 44 है, 44 काय की है, किसान परेशान कर रहे हो, किसान है, बिजली मिल नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है।